कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मेरे साथ हैं। आपको दोबारा से इस बार फिर कैबिनेट में शामिल किया गया है। जोशी जी, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इस बार कुछ मंत्री हटाए गए लेकिन आप अपनी जगह पे फिर कायम हैं। देखिए, मुझे पार्टी ने चाहे विधायक बनाया चाहे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी दी, मैंने एक आयाम स्थापित की कोशिश की है और आज मेरे पार्टी ने, मेरे नेतृत्व ने, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने मेरे पर विश्वास जताते हुए मुझे फिर मेरे जैसे फौज के सिपाही को दोबारे मंत्री बनाकर सेवा करने का मौका दिया है। उनके विश्वास पर खरा उतरना ये मेरी जिम्मेदारी होगी। सबसे पहला मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सैन्य धाम, 2024 से पहले हम उसे पूरा करेंगे और जब वो बनकर तैयार होगा तो इस प्रकार लोग बद्री केदार गंगोत्री जमुनोत्री को देखने आते हैं, उस धाम को देखने आएंगे। साथ ही जिस अपेक्षा के साथ हमें पूर्ण बहुमत मिला है, जो विकास कार्य रुके हैं उनको पूरा करना हमारी प्राथमिकता होगी और हमें इस चीज़ का फायदा है कि जहाँ का हमें दिक्कत होती है प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिलता है और आज आकर हमारी पूरी टीम को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, इसका भी लाभ हमें मिलेगा, इस प्रदेश का हम विकास करेंगे। कुछ पोर्टफोलियो को लेकर तय हुआ कि ऐसा विभाग जिसमें आप ज़्यादा बेहतर, ये तो जो भी विभाग मिलेगा पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जो भी विभाग मिलेगा पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे और उन्होंने कहा है कि सैन्य धाम बनाना मेरा बड़ा सपना है जिसे मैं जल्द से जल्द पूरा करूंगा। बड़ी जल्दी सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। उस भावना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मोदी जी का जो सपना है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, ये सरकार वो आपको सपना पूर्ण करके दिखाएगी। जी, कौन से ऐसे विभाग हैं जिनमें आपको लगता है कि ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते? जो भी, देखिए, जो भी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे ठीक समझेंगे वो मुझको देंगे और बात विभाग की नहीं है, बात भावना की है कि जो भी विभाग हमको मिलेगा हम उसमें पूर्ण निष्ठा के साथ काम करना चाहिए और उत्तराखंड की सेवा करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, युवा हैं आप और युवाओं के लिए क्या फोकस है? रोजगार सबसे बड़ा, अगर आप पलायन का अगर सबसे बड़ा मुद्दा आज उत्तराखंड में है तो रोजगार की वजह से है और हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है युवाओं की रोजगार को लेकर होगी। सौरभ बहुगुणा का ये कहना है कि उनके केंद्र में युवा रहेंगे, युवाओं के लिए रोजगार की बेहतर व्यवस्था हो, ये तमाम चीज़ों पर वो कैबिनेट सौरभ बहुगुणा का कहना है कि युवाओं के लिए वो काम करेंगे, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बेहतर तरीके से निभाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा आलाकमान का वो धन्यवाद करते हैं क्योंकि एक युवा को उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी है। बड़ी जल्दी सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, देहरादून।